नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड-19 महामारी के बीच इस वायरस को लेकर लगातार शोध, लगातार स्टडी जारी है और समय के साथ इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक 32 पेज का जो दस्तावेज है उसमें कई बातें कही हैं वेरिएंट को लेकर, और कहा है कि कोरोना के जिस वेरिएंट के कारण भारत में स्थिति बिगड़ी हुई है वो दुनिया के सभी 6 क्षेत्रों के 44 देशों में पाया गया है। कोरोना का B1617 वेरिएंट बीते साल 2020 अक्टूबर में भारत में पाया गया था और B1617 वेरिएंट से संक्रमित मरीज को देखा यह जा रहा है कि ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और ये एंटीबॉडी के न्यूट्रलाइजेशन को भी घटा देता है। इसके अलावा अधिक संक्रामक वेरिएंट भी देश में फैल रहे हैं जिसमें B117 भी शामिल है, जो पहली बार एक तरह से हम देखें तो ब्रिटेन में पाया गया था। भारत के बाहर ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और कोरोना के B1617 वेरिएंट को WHO ने उन 3 खतरनाक कोरोना के प्रकारों की श्रेणी में डाला है जो सबसे पहले ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में मिले थे। आखिर हम आज देश देशांतर में समझेंगे कि कोरोना वायरस के जो वेरिएंट हैं, जो स्थिति को लगातार गंभीर बना रहे हैं, वो क्या है, इनसे जो चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं वो क्या है, और कैसे ये उपचार या कहें जो वैक्सीन हमारे सामने अभी उपलब्ध हैं उन पर किस तरह का ये वेरिएंट असर डाल रहे हैं, और जो कोरोना के खिलाफ कुल मिलाकर लड़ाई है उसकी स्ट्रैटेजी में क्या कुछ चेंज लाने की जरूरत है, इन वेरिएंट को देखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम देश देशांतर में चर्चा करेंगे। और उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर करण मदान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स एम्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर नंदिनी शर्मा, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं चाहूंगी थोड़े से बेसिक्स आप हमें समझाएं। जब हम वेरिएंट की बात करते हैं किसी भी वायरस के, तो वो वेरिएंट क्या है और ये जो वायरस को लेकर स्टडी है उस पे क्या आयाम, क्या पहलू और जोड़ता है? नमस्कार। ये वेरिएंट जो पहले भी मेरे ख्याल से कई चर्चाओं में कई बार बताया जा चुका है कि वायरस म्यूटेट करता है, क्योंकि वायरस को अपनी सर्वाइवल के लिए कई म्यूटेशंस करने होते हैं और वो किसी भी बीमारी में कभी भी वायरल डिजीज होती है उसमें म्यूटेशंस होते ही हैं। और जब ये म्यूटेशंस होते हैं, जो वेरिएंट की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये 2 नाम दिए गए हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो आपने दोनों अभी बताए, B117 और B1617, ये दोनों ही हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न का मतलब है कि इनके साथ या तो ये हाईली इन्फेक्शस होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं, या ये सिवियर डिजीज करते हैं, या दोनों ही चीज़ें करते हैं। और तीसरी आस्पेक्ट है कि ये जो इन्फेक्शन नेचुरल के द्वारा या इवन वैक्सीन्स के द्वारा जो हम इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर चुके होते हैं वो उसको बाईपास कर देती है, उस इम्यूनिटी को बाईपास करके तब भी अटैक कर सकती हैं। तो ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी जो WHO ने आपने अभी बताया, जो दस्तावेज में उन्होंने बोला है, उसमें ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आए हैं उभर के। और अभी जो भारतवर्ष में हम स्थिति देख रहे हैं, जो इतना ज़्यादा सर्ज आया है, जो पिछली पीक से भी कोई मोर देन डबल इस बारी की जो पीक है उसमें केसेस का नंबर जो है पिछली जो सितंबर वाली पीक है उससे मोर देन डबल है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि कुछ ऐसी चीज है जो ये सर्च कॉज कर रही है। और जहां तक आपने पूछा कि इसका ये तो इसके बारे में इसके बारे में बेसिक सी कुछ बात हुई। दूसरा, इसके प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए क्या कोई अलग तरीका से कुछ करना चाहिए, आप मेरे ख्याल से जानना चाह रहे हैं। तो ऐसा है कि जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, क्योंकि ये सर्च सिर्फ वेरिएंट से नहीं आ सकता, वेरिएंट को फैलने के लिए जो हमने ऐसी कंडीशन बनाई, ऐसा समा बांधा कि वेरिएंट बहुत जल्दी से फैले भी, वो थी लार्ज गैदरिंग्स। हम बहुत जल्दी रिलैक्स कर गए और रिलैक्स करके वेरिएंट तो आ गया था। आपने खुद ही अभी बताया भी है ना कि ये दिसंबर अक्टूबर में पाया जाने लगा, दिसंबर तक तो पक्का पता लग गया था कि ये वेरिएंट ऐसे महाराष्ट्र में अब प्रीडोमिनेट कर रहा है। तो ऐसे में जब वेरिएंट का बिहेवियर अभी अच्छी तरह से हमें नहीं पता, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एकदम से रिलैक्स कर देना शायद सही नहीं था। वो एक बहुत बड़ी, क्योंकि अगर वेरिएंट कितना भी इन्फेक्शस क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको रोक देंगे कहीं और जाने से तो वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा। एक तो वो बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, हमारी वैक्सीनेशन भी जो एक हमारे बहुत बड़ा हथियार बन सकती थी, वो भी उस स्पीड पे, उस पेस पे नहीं हुई।
शुरू में वैक्सीन हेजिटेंसी थी और एज अ रिजल्ट हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर ही नहीं पाए। जहाँ तक ये शोध का सवाल है ना कि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को ये ओवरकम कर ले रहा है, इम्यूनिटी को ओवरकम कर लेता है, तो वो अगर वैक्सीनेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा होती तो एक तो म्यूटेशंस का थोड़ा रोल भी कम रहता है और इसमें प्रिवेंशन हमारा बेटर होता। तो ये तीनों शायद कारण हैं, सिर्फ एक वेरिएंट आना ही कारण नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर करण मदान, जो बातें कही जा रही हैं कि ये जो वेरिएंट है वो भारत में स्थिति को गंभीर बना रहा है, तो आखिर क्या हमें और इसके बारे में बातें अभी तक पता चल पाई हैं जिससे हम ये कहें कि स्थिति थोड़ा गंभीर हो रही है, इसीलिए थोड़ी सी हमारे सामने चैलेंजेस भी खड़े हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था और हमें अभी डॉक्टर शर्मा ने भी बताया है कि जब हम वेरिएंट की बात करते हैं तो इसको क्या हम आसान शब्दों में समझें कि जब एक बॉडी से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब वायरस फैल रहा है तो अपने आप को किस तरह से कॉपी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको पढ़ना, उसके हिसाब से चाहे हम उपचार की बात करें या इलाज की बात करें, वो सब भी बदलना पड़ता है। तो स्थिति आखिर इन वेरिएंट की वजह से गंभीर क्यों हो रही है? देखिए, बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। इसको मैं थोड़ा सिंपल तरह में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कोरोना वायरस है, देखिए, एक तरह का आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो होते हैं, कई आरएनए वायरस होते हैं, कोई डीएनए वायरस होते हैं। आरएनए वायरस ज्यादा म्यूटेट करते हैं। म्यूटेट का मतलब होता है अंदरूनी बदलाव। जो वायरस एक तरह का उसका स्ट्रक्चर है वो अपने आप को बदल लेता है। अब वायरस बदलता क्यों है? बदलता इसलिए है क्योंकि अगर वो बदलेगा नहीं और बहुत सारे लोग उस वायरस से इम्यून हो जाएंगे तो वो बाकी लोगों को संक्रमित नहीं कर पाएगा। अब इसको कहते हैं म्यूटेशन। और इसी म्यूटेशन, हजारों म्यूटेशन हो सकती हैं, वो म्यूटेशन वाले अलग वायरसों को कहते हैं वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब वो ओरिजिनल वायरस से अलग था। अब बात आती है कि इसका नाम, जो हमारा एक वेरिएंट जो B1617 जो इसका तकनीकी नाम है, इसको कई रिपोर्ट्स में इंडियन वेरिएंट है इस नाम से भी यूज किया जा रहा था, डबल म्यूटेंट के नाम से यूज किया जा रहा था। WHO ने बहुत क्लियर किया है कि देशों के नाम पे इन वेरिएंट्स का नाम देने की जरूरत नहीं है। ये कोई स्टिग्मेटाइज करने वाली चीज नहीं है, ये वेरिएंट है, उसको टेक्निकल नाम से बोला जाना चाहिए। अब एक चीज जो इस B1617 के बारे में क्लियर अभी हमको पता है वो ये है कि ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा है। ट्रांसमिसिबल का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे को होने की जो इन्फेक्शन की रिस्क है वो इसकी ज्यादा है। जहां तक रही बात क्या इसकी बीमारी ज्यादा घातक है या सीवियर डिजीज ज्यादा लोगों को हो रही है, उसका डेटा अभी क्लियर नहीं है। वो कैसे आएगा डेटा, वो आपको तब पता लगेगा जब हम जीनोम सिक्वेंसिंग कहते हैं हर वायरस हर मरीज का हम पकड़ें कि वो कौन सा वेरियंट है, उसके क्लिनिकल स्टेटस को देखें कि बीमारी गंभीर थी या नहीं थी। तो ये हजारों मरीजों को देख के पता लग सकता है, वो डेटा भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो एक बात तो हमारे पास जो है वो ये है कि ये जो वेरिएंट बने हैं ये तेजी से एक दूसरे को फैल रहे हैं, तो ये चीज क्लियर, इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। अब आपकी दूसरी बात जो आई कि इससे हमारे प्रोग्राम पे, हमारी एक्शंस पे, हमारी वैक्सीनेशन के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, देखिए वेरिएंट हजार तरह के हो जाएं, एक चीज सब वेरिएंट पे काम करती है, वो क्या है? मास्क, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग। कोई भी वेरिएंट आपकी इन चीजों से नहीं बच सकता। तो आपकी अगर ये जो सोशल प्रिवेंटिव एक्शंस और वैक्सीनेशन होंगी ये उसके अगेंस्ट सबसे जरूरी होंगी। अब एक बड़ा सवाल आपने पूछा कि ये वैक्सीन कारगर या इन पे कारगर रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो कुछ जो डेटा सामने आ रहा है, यूएस अमेरिका की तरफ से कुछ रिलीज आई है कि उनके यहाँ जो तीनों वैक्सीन यूज की जा रही है, फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, जॉनसन वैक्सीन, उनके मुताबिक ये वेरिएंट्स पे भी कारगर हैं। और ये भी एक तरह की धारणा है कि जो वैक्सीन हम अपनी कंट्री में भी यूज कर रहे हैं उससे ये नहीं होगा कि ये हमारे इन वेरिएंट्स पे बिल्कुल काम नहीं करेंगी। वो किस तरह होगा ये हमको देख के पता लगेगा, लेकिन वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार इसके अंदर है। हमको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी क्लियर डेटा ये नहीं है कि इससे मरीज जो रोग है वो ज्यादा घातक हो रहा है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि तेजी से फैल रहा है। तो हमको वैक्सीनेशन और मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को ही प्रमोट करना है इस वक्त, ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल
डॉक्टर शर्मा, बहुत सारी बातें अभी डॉक्टर मदान ने भी बताई हैं। खासकर सबसे ज्यादा सवाल जो लोगों के मन में हो रहा है, एक तो हमने वेरिएंट को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की उसका मतलब क्या है, और दूसरा यही है जो वैक्सीन की बात डॉक्टर मदान ने भी उठाई कि हम जो वैक्सीन लगवा रहे हैं या जो भारत में जो वैक्सीन उपलब्ध है, क्या ये इस वेरियंट से लड़ने में कारगर है, या ऐसा तो नहीं कि हम थोड़ा डिले करें वैक्सीन लगवाने में क्योंकि हो सकता है कोई नई वैक्सीन आए। तो इसको लेकर जो थोड़े बहुत भ्रम है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा और साफ करें कि वैक्सीन का असर तमाम वेरिएंट्स पर और जो भारत में स्थिति है उसमें वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। देखिए, जहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट्स का सवाल है, जो कुछ खबर आ रही है, कुछ लैब में, जर्मनी में भी, जर्मनी से एक रिपोर्ट है, तो उसमें उन्होंने सीरम को मतलब बेसिकली पेशेंट को सीरम लिया है और सीरम में देखा है कि वैक्सीन की इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन होती है जहाँ पे वैक्सीन आप देते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है कि शायद ये सीरम और ये कंपेरेबल चीज़ ना हो। तो जो वो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा असर घटता है, 50%, 80%, डिफरेंट रिपोर्ट्स में आ रहा है, दो प्री प्रिंट्स हैं इनफैक्ट अभी, तो ऐसा रियल लाइफ में क्या हो सिचुएशन है ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एफिकेसी उसकी वैक्सीन की घट जाएगी। तो वैक्सीनेशन लगाने से जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो ब्रेक होगा, जो टूटेगा, वो वेरिएंट कोई भी हो, देखिए जो स्पाइक प्रोटीन है जिसके अमाइनो एसिड्स में 1200 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, 4 में 5 में वेरिएशन जो कंसर्न वाला हम कह रहे हैं ना कि उसमें जो बदलाव आया है, जो अटैच करने की क्षमता शायद ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो डेफिनेटली इन्फेक्शसनेस जिसे हम कहते हैं कि जो एक दूसरे से लगने की है, वो संक्रमण शक्ति तो इसकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जहां तक घातक रोग का सवाल है, आप देखिए जब बहुत सारे, जैसे हम पहले देख रहे थे कि सितंबर में हमारी पीक में 1 लाख केस थे, अब हमारे पास 4 लाख के करीब केस हैं, उसमें से 1% अगर क्रिटिकल होते हैं तो आप देखिए कि क्रिटिकल केस कितने बढ़ गए, 1 लाख का 1% कितना हुआ और 4 का कितना हुआ। तो इसीलिए जो हमारे अस्पताल, हमारे ICU भर गए हैं, क्योंकि अभी केसेस बहुत ज्यादा है। क्रिटिकल उठने से जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये डेटा कोई अभी एनालाइज नहीं किया गया है, जैसे डॉक्टर मदान ने भी बोला, ये डेटा अभी एनालाइज नहीं किया गया है, और इसलिए ये अभी हमें नहीं पता है कि कितना घातक हो रहा है। तो जो हमें अभी हमारे पास हथियार हैं वो है वैक्सीन और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क लगाना, दूरी मेंटेन करना और लार्ज गैदरिंग्स को, इनडोर गैदरिंग्स को भी बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि जो सारा ये फैला है, जो सुपर स्प्रेडर्स बने हैं, वो इनडोर गैदरिंग्स बनी हैं। आपने देखा पहली वेव में जो हुआ, वो अफेक्ट हुआ ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन में, या जो डॉक्टर्स तो हर वेव में अफेक्टेड हुए हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हर वेव में अफेक्ट होंगे, इस पर ही जो हो रहा है वो हो रहा है ज़्यादा अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, यू नो, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, ऐसे वाले अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो पहली वेव में एस्केप कर गए थे। अब ये वेरियंट है डेफिनेटली इन्फेक्शस, मोर इन्फेक्शस, वो तो प्रूव हो गया है, और 28% के करीब WHO के भी सैंपल मिले हैं जिनमें B1617 है, तो ज़्यादा फैल भी रहा है। लेकिन उससे बचाव का तरीका ये नहीं है कि आप एक और वैक्सीन का इंतज़ार करेंगे, उसके अभी लगवाना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा हम कवरेज कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन की कवरेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ब्रेक करनी है चेन ऑफ ट्रांसमिशन, तो जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे, देखिए हमने सीरो सर्वे किए थे दिल्ली के, हम बहुत खुश थे ये देख के जनवरी में कि हमारी 50% से ऊपर पॉपुलेशन, और हमने सैम्पलिंग बहुत अच्छी तरह अपनी तरफ से की थी कि सारे रिप्रेजेंटेशन थी सभी क्लासेस की, तो उसमें हमें लगा था कि अब 50% से ऊपर तो दिल्ली इन्फेक्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब तो अब चांसेस कम है। लेकिन किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था इस तरह से ये सेकेंड वेव आएगी। इसके कारण पता लगाने के लिए अभी बहुत सारे डेटा की ज़रूरत है, लेकिन अभी उस पर सब पे ना जाते हुए हम जो अभी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आप बिल्कुल मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, कोई भी घर में बर्थडे पार्टी, शादी वादी मनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ समय वेट कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लार्ज आउटडोर गैदरिंग्स तो बिल्कुल ही बैन कर देनी चाहिए, वो तो सरकार ने भी किया है, इंडोर अपने आप ही बैन करिए, और साथ में वैक्सीन लगाइए। जब भी आपकी बारी आती है और वैक्सीन होती है तो प्लीज़ लगवाइए, जो वैक्सीन अवेलेबल है बिल्कुल ठीक है। दो छोटी छोटी स्टडीज़ हमें पता लगा है कि कोवैक्सीन ठीक है, हमारी कोविशील्ड भी ठीक है, तो दोनों वैक्सीन है इफेक्टिव है वेरियंट के अगेंस्ट। बिल्कुल। और डॉक्टर मदान, जैसे अभी डॉक्टर नंदनी शर्मा ने कहा कि अभी पार्टी नहीं मनानी है, गैदरिंग नहीं करनी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर स्थिति में अपनाना ही अपनाना है, यही सबसे अच्छा बचाव का तरीका है, तो जो आम लोगों के मन में सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कब तक, आखिर कब तक। तो क्या हम ये माने कि क्योंकि ये वेरियंट और जिस तरह से म्यूटेशन हो रहा है, इस वजह से स्थिति थोड़ा सा हम कहें कि लंबे समय तक खिंच रही है, और ये जो स्थिति है थोड़ी लंबी चल रही है, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा।
उसके पीछे वेरिएंट ही वजह है? देखिए, बहुत जरूरी सवाल है। अब हम ये समझने की अगर कोशिश करें कि ये वेरिएंट उत्पन्न क्यों होते हैं, ये वेरिएंट इसलिए उत्पन्न होते हैं कि जितने लोगों को संक्रमण ज्यादा होगा, वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में जाएगा, वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपने आप को बढ़ाएगा नंबर में, जितना उसको एक से दूसरे में जाने का मौका मिलेगा उतने वेरिएंट उत्पन्न होंगे। अगर आप इन्फेक्शन रेट कम कर देंगे तो वेरिएंट भी कम हो जाएंगे उत्पन्न होने। तो एक चीज बहुत जरूरी है कि आप अगर इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे तो वेरिएंट कंट्रोल होंगे, वेरिएंट कंट्रोल होंगे तो आगे की इन्फेक्शन कंट्रोल होगी। तो ये एक तरह का बिल्कुल इंटरलिंक्ड मैकेनिज्म है। अब जहां तक रहा आपका सवाल कि ये कब तक चलेगा, देखिए इस वक्त जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केस है और जो हमारी पीक का नंबर आ गया है वो बहुत ज्यादा है, और इसको फ्लैट होने में कुछ डेटा आ रहा है कि इस कम से कम जुलाई के एंड तक का कुछ समय लग सकता है कि हम थोड़ा सा इस को नीचे होता हुआ देख पाए। और दूसरी एक चीज बहुत जरूरी ये है कि ये समझना कि ये जो हमारी जैसे पीक आ गई, मरीज इतने संक्रमित हुए, इतनी मुश्किल और खराब स्थिति उत्पन्न हुई कि हम सब जानते हैं जिस चीज को, उसको दोबारा आने से रोकना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हम कहते हैं कि इतनी इन्फेक्शन हो गई, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए और दोबारा उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया। तो टेस्टिंग को ऊपर रखना बहुत जरूरी है। किसी को भी माइनर सिम्टम है, जुकाम, बुखार, बॉडी एक, कोई भी अलग सा सिम्टम है, अपने को टेस्ट कराएं, टेस्ट करा के उस चेन को रोकें। और जब आप, ये है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस चीज को ले जाने का प्लान है कि आपका जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम से कम 10% से कम होना चाहिए, नहीं तो आइडियली 5% से कम होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिविटी रेट 10% के ऊपर जा रहा है तो एक्शंस को उसी वक्त लागू करने की जरूरत है। इतना लेट नहीं वेट करना है कि उस वक्त ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बहुत मरीज हमारे एकदम संक्रमित हो जाए। तो ये चीजें अगर हम फॉलो करेंगे, वेरिएंट्स को उत्पन्न होने से रोक पाएंगे, इन्फेक्शन को हम रोक पाएंगे, और वैक्सीनेशन जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, काफी तेजी से प्रयास हो रहे हैं। अब ये भी है कि आज शायद ये भी है कि हम थोड़ा जो कोविशील्ड की दो डोजे हैं उनके बीच का इंटरवल भी इंक्रीज होने की बात हो रही है। तो जैसे अब ये सब चीजें आएंगी तो वैक्सीनेशन का नंबर और वो इंक्रीज होगा और इस हम पेंडेमिक को कंट्रोल करने में थोड़ा सफल होंगे। बिल्कुल। और जब हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा, तो आप दोनों ने एक बात पे बार बार जोर दिया है कि अभी जो है बहुत शुरुआती स्टडीज हुई है, अभी बहुत गहराई से इस मामले में शोध की जरूरत है। और अब तक हम देखें तो सिर्फ जितना मेरी जानकारी है, आप दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो कि 0.1% कोरोना के जो पॉजिटिव टेस्ट थे उनको ही अनुवांशिक रूप से अनुक्रमित किया गया, और एक तरह से देखे तो 21% जो मामले थे वो B1617 के थे, और जबकि जो 7% मामले थे, 7% मामले वो B1617.2 के थे, और बाकी जो 21% मैंने कहा वो 1 के थे। ये चीजें सामने आई हैं अब तक के टेस्ट में। तो यानी अभी हम कहें कि इसके मामले में हमें जो स्टडीज हैं, जो शोध हैं, उसको लेकर काफी आगे बढ़ना है, और इसी के साथ साथ जो हमारा इलाज का तरीका है या बचाव का तरीका है वो समय के साथ और ज्यादा मजबूत होता रहेगा। जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग जो एक सवाल पूछा था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि कब तक है कि जब आप 1918 वाले स्पेनिश फ्लू को देखें, उसमें भी 3 वेव्स 4 वेव्स आई थी, सेकेंड सबसे घातक थी, और थर्ड वेव भी उसमें आई, वो थोड़ी सी कम थी। तो अगर हम थर्ड वेव की तैयारी में ऑफकोर्स अभी से जुट जाएं तो बेहतर ही है, जैसे अभी भी डॉक्टर मदान ने भी बताया। लेकिन जहाँ तक ये वेरिएंट का आप बता रहे हैं, आपने जो एग्जैक्ट सवाल पूछा था, सॉरी दोबारा रिपीट करेंगे आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या? मैं ये कह रही थी कि अभी तक बहुत कम शोध हो पाया है, सिर्फ जो 0.1% मामले हैं वो हुए, यानी समय के साथ, जैसे आपने कहा, मैं उसी को अगर इंटरलिंक करूं कि कब तक, तो कब तक के लिए हमारे जो बचाव है, जो उपचार है, वो भी पुख्ता होना जरूरी है, इम्यून बनाना भी लोगों को जरूरी है। तो जैसे जैसे स्टडीज बढ़ेगी, हमारी जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी इसके खिलाफ। जीनोम का जो सीक्वेंसिंग का है ना, वो बोला जाता है कि एटलीस्ट 5% सैंपल्स को करना चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ 0.1% को किया है। ऐसा नहीं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, कंसोर्शियम है जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहा है, अब आई थिंक वो ज्यादा काम करेंगे। लेकिन जब तक, ये स्टडीज थोड़ी मुश्किल भी होती हैं और थोड़ी महंगी भी होती हैं, तो लेकिन वो 5% पॉपुलेशन ना से 2-3% तक भी अगर हम कर लेंगे तो कुछ आ जाएंगे हमारे सामने। लेकिन सिर्फ वेरिएंट के ऊपर ही स्टडी करने से ये ऐसा नहीं है कि कोई और वेव रुक जाएगी या कुछ हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंट के साथ साथ आपको पूरी एपिडेमियोलॉजी को लेना पड़ेगा। अब जब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ रहा है और आप देख रहे हैं कि इससे सर्च जा रहा है, ऊपर बढ़ रहे हैं केसेस,
तो जो भी वेरिएंट ऐसा आता है जिससे आपको लगता है कि केसेस ऊपर बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं, उसी वक्त जो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त एक्शन जो, जैसे लॉकडाउन है, ये एक एक्शन है स्टॉप करने का ट्रांसमिशन को। तो ये अगर हम जब कर ऊपर जा रही होती है उस वक्त कर दें, बजाय इसके कि जब हम पीक पे पहुंच जाएं तब करें, तो शायद ज़्यादा असरदार होगा। तो एक तो टाइमिंग को आपको जो एविडेंस बेस्ड सारे पॉलिसी डिसीशन लेने हैं, जो डेटा के हिसाब से डिसीशन लेने हैं, वो अभी तक थोड़े हम कम ले पा रहे हैं। वो डेटा ड्रिवन डिसीशंस अगर नहीं हम लेंगे तो नेचुरली कंट्रोल मुश्किल होगा। और डेटा ड्रिवन डिसीशंस लेने से आप थर्ड वेव को भी रोक पाएंगे, और डेटा ड्रिवन डिसीशन लेने से आप एग्जैक्ट वैक्सीनेशन का, जैसे अभी डॉक्टर मदान ने बताया, कोविशील्ड के दो डोजेज के बीच में 12 हफ्ते का इंटरवल पाया गया है यूके में भी, कि बिल्कुल सही है। अगर एक उससे डोज से भी काफ़ी इम्यूनिटी आ जाती है, तो अगर आप एक डोज से पूरी पॉपुलेशन को कवर कर देते हैं, तो शायद हम जल्दी ही, ज़्यादा जल्दी अपनी इकोनॉमी को, अपने नॉर्मल लाइफ को में वापस लौट पाएंगे। और मेरे ख्याल से जो बिहेवियर भी है हमारा, थोड़े कुछ समय तक तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक तो अगर आप देखेंगे, अगर हम कहें कि इतने हमने करोड़ टीके लगा दिए, अमेरिका से ज़्यादा लगा दिए, लेकिन उनकी पॉपुलेशन देखिए हमारे मुकाबले कितनी कम है। तो इसलिए जो डेटा ड्रिवन सारे एविडेंस बेस्ड, डेटा ड्रिवन डिसीशंस, एविडेंस बेस्ड डिसीशंस हैं, उनको थोड़ा सा साइंटिफिकली हमें लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें वेरिएंट का भी वही, उसी में इंक्लूडेड है, ये कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर मदान, क्योंकि आज जो मेन हमारी चर्चा का विषय है वो वेरिएंट को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाना है, तो मैं समझना चाहूंगी एक चीज और जो आम लोगों के मन में है, कि अब तो हमें पता ही नहीं लगता कि खांसी हो रही है तो वो कोरोना की वजह से है, सिरदर्द है, या पेट खराब है, या हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। बहुत सारे लक्षण हो गए हैं जो अब कोविड से जोड़कर अब देखे जा रहे हैं। तो मैं ये, क्या हम ये समझें कि ये भी बदलते वेरिएंट की वजह से है जो ये लक्षण भी चेंज हुए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हमको ये फिर भी समझना पड़ेगा कि जो जो कोविड नाम की डिजीज है, उसमें बहुत, जो मेजॉरिटी बात करें कि भी 80-90% मरीजों को क्या सिम्टम होते हैं, जो एक दो या एटिपिकल तरह के सिम्टम हैं, जब इतने ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन होगी, तो जब लाखों केस होंगे तो उसमें हजारों केस ऐसे होंगे जो सिम्टम थोड़े अनयूजुअल सिम्टम के होंगे। हमको लेकिन फोकस करना है की सिम्टम, की का मतलब जो सबसे प्रमुख लक्षण है। प्रमुख लक्षण अभी भी बुखार, आपको सिर दर्द, जुकाम, गले में दर्द, छींक आना, इस टाइप के सिम्टम हैं। तो अगर किसी को भी, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इसका नाम ILI कहते हैं, कि अगर किसी भी को ILI जैसे सिम्टम है, फ्लू जैसे सिम्टम है, जैसे बुखार आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, छींकें आ रही हैं, नाक बंद हो गया, कुछ ऐसे सिम्टम जिसको अचानक से शुरू हुए हैं, उनको इग्नोर ना किया जाए। अगर आप इस ग्रुप को भी टारगेट करेंगे तो आपके 90% से ऊपर के मरीज आप टारगेट कर लेंगे। अगर वो लोग टेस्ट कराते हैं तो उनको आइसोलेट करके हम जो इन्फेक्शन का चेन रिएक्शन है वो हम रोक पाएंगे। एक बहुत ही बड़ी चीज डॉक्टर शर्मा ने कही थी कि ये जो एक्शंस हैं, ये टाइमली, मतलब एविडेंस ड्रिवन होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपकी इन्फेक्शन, मान लीजिए 1000 केस आ रहे हैं, 1000 केस आप जिस दिन पिक कर रहे हैं, उसका मतलब के हजारों लोगों में उस दिन इंफेक्शन इंक्यूबेट, मतलब चालू हो गया है, और वो विस्फोट की तरह से 7-8 दिन या 14 दिन बाद उत्पन्न होगा। तो आप जब अपनी एक्शन को तब छोड़ देंगे जब आपके बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, तो उस विस्फोट को काबू करना असंभव वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए जो भी ये एक्शंस हैं, एविडेंस ड्रिवन, पॉजिटिविटी रेट के ऊपर निर्भर करते हुए जो स्टेप्स हैं, वो टाइमली करने की जरूरत है। और इस, अब ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है कि कितने केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, हमारी सिटी में आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कितना हो गया, अब ये करना है, अब ये करना है। तो ये चीजें जब हम कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे वैक्सीनेशन पूरी पॉपुलेशन का हो जाएगा, और तब हम इसको कंट्रोल करने में सार्थक होंगे। डॉक्टर नंदनी शर्मा, इसके अलावा एक पॉइंट और है, अलग अलग वेरिएंट्स हैं हम जानते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ही सबसे ज्यादा बड़ा बचाव है, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो अपना के रखना है, तो कोई भी वेरिएंट उस तरह से खतरा नहीं दिखाएगा अपना। एक चीज जो है, ठीक है वैक्सीन ले लेते हैं, लेकिन कई लोग मैंने देखा है, ऐसे मेरे जानने भी आए हैं जो कहते हैं अब हमें वैक्सीन लग गई है, हम कहीं भी जा सकते हैं और हमें कोई खतरा नहीं है, और हम दूसरों को भी खतरा नहीं दे सकते। तो ये जो भ्रम है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत नहीं है, ये कितना बड़ा भ्रम है? और ये नए वेरिएंट्स के हिसाब से क्या कुछ एडवाइजरीज भी हैं जो नई जारी की गई हैं?
ये भ्रम ही है जो आप कह रहे हैं कि अपने आप भी जैसे दो डोजेस भी लगा ली वैक्सीन की तो हम बिल्कुल सेफ हो गए और किसी को भी नहीं लगा सकते, ये भ्रम है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन आज तक स्टेरलाइजिंग सेंसिटिव सिर्फ वो थी एक स्मॉल पॉक्स की, बाकी कोई भी जो है वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, इनमें से भी कोई वैक्सीन नहीं दे रही। तो इसलिए 100% तो प्रोटेक्टेड खुद भी नहीं है इंसान, और दूसरा हमारी जो दोनों वैक्सीन इस वक्त भारतवर्ष में है अवेलेबल, वो ट्रांसमिशन नहीं रोक पाती कि एक से दूसरे को अगर इन्फेक्टेड हुआ इंसान तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो लेकिन इसका तोड़ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दीजिए, तो वो एक बैरियर अपने आप ही बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब तक हमारे केसेस, हमारी पॉजिटिविटी जैसे डॉक्टर मदान ने बताया 5% से नीचे नहीं आ जाती, कि आप 100 सैंपल टेस्ट करें तो उसमें से 5 ही पॉजिटिव हों, ये ट्रांसमिशन बताता है कि कम्युनिटी में कितना फैल रहा है। तो इस वक्त तो हमारी पॉजिटिविटी मुश्किल से 26% 27% से 30% के करीब पहुँच गई थी, अब मुश्किल से हम 17% पे आए हैं। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, तो तब तक तो एटलीस्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल ना छोड़े और वैक्सीन लगा के ये ना समझे कि अब आपने कोई सुपरमैन वाला कवच पहन लिया है। तो ना खुद भी आप 100% प्रोटेक्टेड है, ना आप दूसरे को भी 100% के लिए, दूसरे के लिए भी सेफ नहीं है 100%। ठीक है ठीक है, डॉक्टर मदान आप आखिर में क्या सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि लोगों का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी वेरियंट हो उसके खिलाफ लड़ाई में, तो ट्रीटमेंट को लेकर या फिर बचाव को लेकर आपकी आखिर में क्या सलाह है? देखिए संक्षेप में मेरी बस एक सलाह है कि अगर आपको जुकाम खांसी बुखार या ऐसे सिम्टम हैं तो अपने आप को तुरंत टेस्ट करवाएं, घर में आइसोलेट करें ताकि आप घर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को और बाहर इन्फेक्ट ना करें। दूसरी चीज, आपने इलाज में माइल्ड सिम्टम हैं तो घर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, पैरासीटामोल की गोली लें, फ्लूइड लें, पानी ढंग से लें और अपनी सैचुरेशन को नापें। एक चीज बहुत जरूरी है, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि पहले दिन आपको सारी दवाइयों की जरूरत है, इसीलिए कई लोग शुरू में बीमारी के इलनेस में स्टेरॉइड का प्रिस्क्रिप्शन ये सब लेना, इसकी जरूरत नहीं है, इससे हार्म भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से आप सलाह करें और इस बीमारी में बहुत जरूरी है सही टाइम पे सही दवाई, ऐसा नहीं कि हर टाइम पे हर दवाई। तो हमको ये चीज को ध्यान में रखते हुए इसको अगर हम करेंगे तो आउटकम भी ठीक रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ समय पूरा हो रहा है देश देशांतर का। डॉक्टर करण मदान आपका, डॉक्टर नंदी शर्मा आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो कोरोना के वेरिएंट सामने आ रहे हैं इसको लेकर जो शोध और स्टडीज जारी हैं उसमें कई बातें नई हैं जो सामने आ रही हैं और चुनौतियां जाहिर तौर पर उसके हिसाब से बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी तैयारी भी उसके हिसाब से आगे बढ़ रही है। सबसे जरूरी बात है कि हर जो व्यक्ति है वो इस लड़ाई में अपनी तरफ से योगदान दे, और बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ना छोड़ें और अपनी बारी आने पर, अपना समय आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। और इसी सलाह के साथ अपना अच्छे से ख्याल भी रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।